देखो भाई एम्बुलेंस आ रही है, अभी रास्ता कैसे साफ हो रहा है, ट्रैफिक हालांकि जैम है। ये आई एम्बुलेंस, सबने साइडों पे की गाड़ी और ये एम्बुलेंस निकल गई। ये देखो कैसे ट्रैफिक जैम के बीच में से एम्बुलेंस निकलती है, यहाँ पे रास्ता देते हैं लोग। है ऑथेंटिक शुआ जो कि आ गया है 100% माशाल्लाह जबरदस्त। ये है बेसिकली देखो शुआ जो है कैसे तो हुआ हुआ है, ऑथेंटिक ओमानी शुआ दिस इज। हाँ आ जाए, दुबई के पास ये नहीं है जो नेचुरल ब्यूटी ओमान के पास है ना। तो भाई घुच मोच इमारतें मसनू चीजें बहुत है, लेकिन नेचर जो है नेचर ओमान के पास है, सिर्फ और सिर्फ ओमान के पास। मंडे मॉर्निंग है भाई, रश सही वाली पड़ी हुई है इस वक्त रूदी के ब्रिज पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। अच्छा भाई कल मैं काफी बिजी था, वीडियो नहीं डाल सका। आज भी सुबह से लेके अभी तकरीबन हो रहे हैं 12:15 दिन के मैं कहीं जा रहा हूँ, लेकिन 12:15 तक भी क्योंकि हमारे जो है बहुत ही प्यारे क्लाइंट जो है वो यूके से आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, यहाँ पर हमने उनकी एलएलसी वगैरह बनाई है और वो अब आ रहे हैं यहाँ पर। तो क्योंकि आरओपी का सिस्टम जो था वो पिछले कुछ दिनों से चल नहीं पा रहा था, उसके वजह से बहुत सारी चीजें स्टक पड़ी थी। तो क्योंकि हमारी कमिटमेंट थी उनके साथ, तो हमने जो भी बेस्ट पॉसिबल वेज थे हमारे उनको करके आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वीजेस वगैरह निकलवा दिए। 4:30 बजे की उनकी जद्दा से फ्लाइट है, मतलब दे केम ऑल द वे फ्रॉम यूके टू जद्दा, जद्दा से अब वो आ रहे हैं ओमान। तो उनसे भी मिलवाएंगे आपको और अगली तरतीब भी बताएंगे। अब आप सोच रहे होंगे यूके से बंदा इधर आ रहा है ओमान में क्यों? सिर्फ यूके नहीं भाई, कनाडा और यूएसए से भी बंदे ओमान में आ रहे हैं। और हमारा पता है क्या, हम में और लोगों में क्या डिफरेंस है? हम जो है ना वो पहले बताते हैं आपको, फिर जब वो चल रहा होता है काम उसकी आपको अपडेट देते हैं कि भाई ये चल रहा है, ये हो गया, ये रह गया, और जब वो मुकम्मल हो जाता है फिर आपको दिखा देते हैं। भैया मैं जा रहा हूँ गल्ला के इलाके में, ये वॉक्स वैगन और ऑडी के शोरूम से होता हुआ। इमरान भाई हमारे आए कराची से क्लाइंट, उनसे मिलना हमने। इमरान भाई से हमारी मुलाकात हो गई, इमरान भाई हमारे लिए गिफ्ट लेके आए अल्हम्दुलिल्लाह। ये जे डॉट का एक परफ्यूम आया है हमारे पास, मीका, माशाल्लाह थैंक यू सो मच इमरान भाई। और ये भाभी ने जो है वो इमरान भाई की वाइफ ने चने का हलवा स्पेशल बना के भेजा, थैंक यू सो मच। ये देखो भाई ये मोहब्बत है आप लोगों की, ये मोहब्बत है जो हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से पहुंच रही है पूरी दुनिया से, क्योंकि ये जो हम कमिट करते हैं वो लोगों को काम करवा के देते हैं, फिर वो यहाँ पे आते हैं तो अपनी मोहब्बत हमारे साथ लेके आते हैं। मतलब ये जो परफ्यूम है यहाँ पे जे डॉट का, ये तारिक भाई लेके आए थे आज, इमरान भाई लेके आए हैं। ये वॉच जो मेरे हाथ में पहनी हुई है ये अमजद भाई ने मुझे गिफ्ट दी थी, मतलब अल्लाह तवक्कल अल्लाह ही चला रहा अपने सारे काम तो भाई, और अल्लाह का एहसान है, हाजा मिन फजली रब्बी, ये सब अल्लाह का करम फजल एहसान है कि उसने परदेश में मतलब एक दूसरे मुल्क में इतनी इज्जत दी। और आप लोगों की मोहब्बतों का और प्यार का बहुत शुक्रिया। हमने पूरे बिजनेस में सिर्फ एक काम किया, वो ये कि ट्रस्ट बनाया, मतलब जो हमसे डील करता है वो आंख बंद करके लाखों रुपया भी भेजता है, और जो हम कमिट करते हैं उससे तरकी बाय तरकी अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे उसी तरह का जो है वो काम करके देते हैं। मतलब जो कमिट कर दिया वो कर दिया इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज हमने जो हमारे लंदन के जो आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके वीजा निकलवा के उनको भेज दिए, वो भी आ जाएंगे तो उनसे भी आपको इंशाल्लाह मिलवाएंगे। तो भाई ओमान पहुंचे, ओमान में इस वक्त जो है वो कारोबार की मामला जो है वो टेक ऑफ कर रहे हैं, और आने वाले इंशाल्लाह 5 से 6 महीने में आप देखेंगे कि दमा दम यहाँ पर जो है ना वो सेटिंगें लगी हुई होंगी, दमा दम। मतलब वो बोलते हैं ना अर्ली बर्ड गेट द वॉर्म, तो आप अर्ली बर्ड अगर बनना चाहते हैं तो भाई आपको वॉर्म मिलेगा, वरना तो फिर इतना कंजेशन हो जाएगी दुबई वुबई की तरह कि चीजों आसमान पे पहुंच जाएंगी बाद में। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन ओमान। हमें कुछ मेरा प्लान है अभी ओमानी मेरे पास जाके लंच वगैरह का, तो उनसे लंच वंच करके फिर फारिग होते हैं, फिर आपको ज्वाइन करते हैं इंशाल्लाह। बाद में आ गया बोशर के इलाके में, और यहाँ पर जो है मैंने अपनी ओमानी जो स्टाफ है मेरा, पूरी जो टीम है बेसिकली हमारी, और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं इस काम में जो मतलब मिनिस्ट्रीज की और इधर उधर, उनके साथ हमने लंच का प्रोग्राम रखा मैंने। तो अभी मैं शुआल ओमानी पे जा रहा हूँ लंच के लिए उन लोगों के साथ। आ गया मतम बैतल ओमानी, यहाँ पे 100% ओमानी ऑथेंटिक फूड आपको मिलता है, तो ओमानियों के साथ हम इधर ही दावत करते हैं अक्सर। अल्लाह भाई हाउसफुल है, डना डन पार्किंग मुझे दूर मिली है, मैं ऑथेंटिक शुआ जो कि आ गया है 100% माशाल्लाह जबरदस्त। ये है बेसिकली देखो शुआ जो है कैसे तो हुआ हुआ है, ऑथेंटिक ओमानी शुआ दिस इज। हाँ आ जाए। तो भाई ये मस्जिद का फंटास्टिक व्यू, खाना हो गया, खाने के बाद अब चल रहा है पीना। भाई हमारा पीना यही है कावा खाने के बाद, और इसके बाद कुछ और काम है, चलते हैं उनकी तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र करम एहसान है कि जितना वक्त अच्छा गुजार दे, और ये बेशक अल्लाह का फजलो करम एहसान ही है। तो चलते हैं जरा बोशर का इलाका, इसको देखते हैं फिर आगे चलते हैं। उसके बाद फिर कुछ मीटिंग्स थी, मीटिंग्स के लिए गए, ऐसे ही कब डिन ढला पता ही नहीं चला। दुआओं की दरख्वास्त, अपना और अपने का बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।